Certainly, the conduct of some members was grossly crossed all the barriers of parliamentary decorum and etiquettes, and thereby bringing down the prestige of the House. After carefully going through the provisions of the Constitution, rules of Rajya Sabha and past precedents, I have observed that at the outset that the motion is not in proper format. Further, as per the provisions of the Article 90C of the Constitution, a notice period of 14 days is required for moving a resolution, not a motion. As the House is going to be adjourned Sunday on 1st, 2020, as per the present schedule, notice does not complete the required period of 14 days. Hence, I rule that the motion given by the LOP and other members is not admissible. Then the Minister for Parliamentary Affairs, he want to move a resolution. Please. Sir, I move that the following members be suspended from the services of this the is not the way. Please sit down. For a period. You have been named. You can't speak. For the remaining part of the current session, for their unruly behavior, especially with the chair, and their gross disorderly. निर्वाचन आयोग की सिफारिशों को लागू किया एवं 18-19 के बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम 1.5 गुना करने की घोषणा की। तब से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अखिल भारतीय भारत औषध उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर किए है। आज हमने रबी की बुआई प्रारंभ होने के पूर्व ही 6 रबी की फसलों की एमएसपी माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक में स्वीकृति प्रदान किए है। गेहूं की एमएसपी में 50 रुपए क्विंटल की वृद्धि के उपरांत अब 1975 हो गई है। चना में 225 रुपए की वृद्धि के उपरांत अब 5100 रुपया प्रति क्विंटल चना होगा। मसूर में 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के उपरांत 5100 रुपया प्रति क्विंटल मसूर अब होगा। सरसों में 225 रुपए की प्रति क्विंटल की वृद्धि के उपरांत अब 4650 प्रति क्विंटल दाम होगा। जौ में 75 रुपए की वृद्धि के उपरांत 1600 रुपए प्रति क्विंटल इसका भाव होगा। कुसुम में 112 की वृद्धि उपरांत 5327 प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013-14 में किसानों को मसूर 2950 रुपए एमएसपी दी जा रही थी। आज देश के किसान मसूर पर 5100 रुपया एमएसपी पा रहे हैं। यह एक तरह से 73% वृद्धि हुई और 2000 रुपए की वृद्धि है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो दिखता है, कांग्रेस के समय में खरीद की क्या हालत थी। 2009 से 14 के बीच में के कांग्रेस सरकार के समय में 1.52 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीद हुई थी। हमारी सरकार ने 2014 से 19 के बीच में 76.85 लाख मीट्रिक टन दाल किसानों से खरीदी है। ये 4962% की वृद्धि है। अगर एमएसपी के भुगतान की बात करें तो हमने 6 साल के भीतर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी के भुगतान के रूप में 7 लाख करोड़ रुपया किसानों को भुगतान किया है, जो यूपीए सरकार से लगभग दोगुना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को भी और किसान बंधुओं को कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश भर में हमारे कांग्रेस के मित्र जब कृषि सुधार के बिल आए तो यही कह रहे थे कि इन बिलों के पारित होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगी, एपीएमसी समाप्त हो जाएगी। मैंने उस समय भी कहा था एमएसपी जारी रहेगी। जो भारत सरकार ने कहा, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वो एमएसपी घोषित करके उसको आज हमने प्रमाणित किया है। और मैं आपके माध्यम से सारे देश को ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी भी जारी रहेगी, एपीएमसी भी जारी रहेगी, और एपीएमसी के बाहर किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थान, किसी भी राज्य, किसी